तमिलनाडु के वो अमर कवि जिनका स्मारक, जिनकी 133 फीट ऊंची प्रतिमा अलंकार मंडपम के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि देने से पहले प्रधानमंत्री मोदी 40 घंटों तक कहां पर ध्यान लगाएंगे? विवेकानंद रॉक मेमोरियल वो ध्यान मंडपम कहां है जहां प्रधानमंत्री मोदी शनिवार शाम तक रुकने वाले हैं? क्या वो ये है? कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल एक ऐसी जगह है जो बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म कर यहां पहुंचे पीएम मोदी के लिए यहां आने का मकसद बेहद खास है, क्योंकि माना जाता है कि इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद को भारत माता के बारे में दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। इन कन्याकुमारी एट द फेमस रॉक स्वामी जी डिस्कवर्ड द पर्पस ऑफ हिज लाइफ। इस स्मारक में दो मुख्य संरचनाएं हैं, पहला विवेकानंद मंडपम, दूसरा श्रीपाद मंडपम। विवेकानंद मंडपम में ही ध्यान मंडपम है जिसमें 6 कमरों वाला ध्यान कक्ष है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर ध्यान लगाएंगे। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें आपको लोग ध्यान लगाते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपको सामने ओम लिखा हुआ दिखेगा जिसके सामने बैठकर लोग ओम का उच्चारण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के चलते ये मंदिर शनिवार तक बंद रहेगा क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी 40 घंटों तक ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी का आध्यात्मिक महत्व भी है। विवेकानंद मंडपम में एक वर्गाकार हॉल भी है जिसका रिश्ता देवी कन्याकुमारी की तपस्या से है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान 2047 तक विकसित भारत का निर्माण प्रमुख मुद्दा बनाया है। अब पीएम मोदी उसी जगह पर ध्यान लगा रहे हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने देश के लिए बड़े सपने देखे थे और जिनके बताए रास्ते पर ही पीएम मोदी चलने का दावा करते रहे हैं। Our governance philosophy is also inspired by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda had a grand vision for India. Today, I'm sure he is proudly watching India working to fulfill his vision. PM Modi हर बार चुनावी नतीजों से पहले कुछ अलग करते हैं। 2014 के नतीजों से पहले PM मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाया था और अब 2024 के नतीजों से पहले पीएम मोदी कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान लगा रहे हैं जिसका सियासी संदेश दूर तक जाएगा। विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से ध्यान नहीं आता। मोदी जी घुसा घुसा करके खूब फोटो खिंचवाएंगे और खूब प्रमोट करवाएंगे। कोई भी मेडिटेशन कहीं भी कर सकता है लेकिन उसका इतना प्रचार नहीं होता है। कन्याकुमारी से निकल के गुजरात जाके आराम करेंगे, वो उनका समय हो गया, वो आराम करेंगे। ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा। विरोधियों के एतराज के बीच कन्याकुमारी किले में तब्दील, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में 2000 जवान तैनात, पुलिस के जवानों से लेकर मरीन कमांडो, स्पीड पोस्ट और नेवी के शिप समंदर में मोर्चा ले चुके हैं। कन्याकुमारी से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।